आज का हमारा मजमून है दूसरा मौका। रेट्रो डाइजेस्ट फरवरी में एक मजमून छाया हुआ है, उसका उन्वान है डेयर टू चेंज योर लाइफ, अपनी जिंदगी को बदलने की जुरात करें। इस मजमून में कई ऐसे वाकयात दिए गए हैं जिनमें एक शख्स को इब्तदन नाकामी पेश आई, वो नुकसानात और मुश्किलात से दो चार हुआ मगर उसने हौसला नहीं खोया। एक मौके को खोने के बावजूद उसकी नजर दूसरे मौके पर लगी रही, ये तदबीर कारगर हुई। एक बार नाकाम होकर उसने दूसरी बार कामयाबी हासिल कर ली। मजमून के आखिर में मजमून निगार ने लिखा है कि जिंदगी दूसरे मौके से भरी हुई है, आदमी उसको पहचाने और हौसला मंदाने तौर पर उस पर अमल करे। लाइफ इज फुल ऑफ सेकंड चांसेस, ऑल वी नीड फॉर अ सेकंड चांस इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज इट एंड द करेज टू एक्ट। जिंदगी सेकंड चांस यानी दूसरे मौके को इस्तेमाल करने का नाम है। एक ऐसी हकीकत है जो फर्द के लिए भी इतनी ही सही है जितनी कौम के लिए। पूरी तारीख इस हकीकत की तस्दीक करती है। दौरे अवल में इस्लाम को मक्के में मौका न मिल सका, उसके बाद इस्लाम ने मदीने के मौके को इस्तेमाल करके अपनी तारीख बनाई। मगरबी कौमें सलेबी जंगों में अपने लिए मौके न पा सकी तो उन्होंने इल्मी मौके को इस्तेमाल करके दोबारा कामयाबी का मकाम हासिल किया वगैरह। मौजूदा दुनिया में अक्सर ऐसा होता है कि आदमी पहले मौके को खो देता है, कभी अपने नाक तजर्बे की वजह से और कभी दूसरों की सरकशी की वजह से। मगर पहले मौके को खोने का मतलब एक मौके को खोना है, न कि सारे मौके को खोना। पहला मौका खोने के बाद अगर आदमी मायूस न हो तो जल्द ही वो दूसरा मौका पाएगा जिसको इस्तेमाल करके वो दोबारा अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। जिन मौके पर दूसरे लोग काबिज हो चुके उनको उनसे छीनने की कोशिश करना अक्लमंदी नहीं। अक्लमंदी ये है कि जो मौके अभी बाकी हैं उन पर कब्जा हासिल करने की कोशिश की जाए।